संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में सबसे शानदार बात यह रही कि इसके टॉप 10 चेहरों में 6 लड़कियां शामिल हैं, जबकि टॉप की 4 रैंकिंग सिर्फ लड़कियों के ही नाम रही। इस टॉप 10 लिस्ट पर एक निगाह डाले तो इसमें रैंक 1 हासिल करने वाली इशिता किशोर है, जबकि टॉप 10 पोजीशन पर राहुल श्रीवास्तव है। चलिए आपको बताते हैं टॉप 10 पोजीशन पर आने वाली होनहार कौन कौन है। इशिता किशोर जो कि पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है गरिमा लोहिया, तीसरे नंबर पर है उमा हरती एन, चौथे नंबर पर है स्मृति मिश्रा, पांचवें नंबर पर है मयूर हजारिका, छठे नंबर पर है गहना नव्या जेम्स, सातवें नंबर पर वसीम अहमद भट्ट है, वही आठवें नंबर पर अनिरुद्ध यादव है, वही नौवें नंबर पर कनिका गोयल है और दसवें नंबर पर राहुल श्रीवास्तव है। यूपीएससी में रैंक 1 लाने वाली इशिता किशोर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली की स्टूडेंट रही है। उन्होंने यहाँ से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इशिता किशोर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को चुना था। इशिता किशोर शुरू से ही स्पोर्ट्स से जुड़ी रही है। स्कूल में भी इशिता ने टॉप किया है। एक इंटरव्यू में इशिता ने बताया था कि वो ग्रेजुएशन के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है। जॉब के साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। वो शुरू से ही पॉलिटिकल साइंस और वर्ल्ड रिलेशन पर फोकस कर रही थी। यूपीएससी सीएससी में रैंक 2 लाने वाली गरिमा लोहिया बिहार बक्सर की रहने वाली है। गरिमा किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएट है। उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में कॉमर्स और अकाउंट्स को लिया था। कोई बात अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करने वाली होनहार की करे तो इनका नाम है उमा हरती एन। उमा हरती ने हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। उन्होंने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में ह्यूमन साइंस को चुना है। आपको बता दें यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट अपना रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in जाकर देख सकते हैं। कैंडिडेट्स के मार्क्स रिजल्ट की घोषणा अब से 15 से 20 दिनों बाद जारी की जाएगी। बता दें मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू 30 जनवरी से 18 अप्रैल तक चली थी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के तहत आईएएस आईपीएस समेत सर्विसेज में 1011 पदों पर वैकेंसी निकली थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।